मैं सुजीत कुशवाहा आप सभी का चौपाल संवाद में स्वागत करता हूं। चलते हैं, हमारे बीच शिक्षाविद हैं, उनसे जानते हैं उनका परिचय और उनका क्या विजन है। नमस्कार, मैं गणेश कुशवाहा ग्राम सत्याग्रह संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह भारत सरकार के लीची रत्न से सम्मानित। शिक्षा हम लोगों ने ग्राम सत्याग्रह संगठन के माध्यम से 2014 में से एक राष्ट्र एक शिक्षा नीति पर काम कर रहे हैं। एक राष्ट्र एक शिक्षा नीति का आज से पूर्व का देखा जाए तो जिस समय महान सम्राट अशोक का शासन था उस समय इस भारत में समान शिक्षा नीति लागू था। जैसे विक्रमशिला, तक्षशिला, नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करते थे और उससे सबों को एक तरह के शिक्षा नीति मिलता था। आज जब अंग्रेजी शासन के पहले शासक लोग बदले, समान शिक्षा नीति को समाप्त किया, संजोग से अंग्रेज आए, उसके बाद उन्होंने समान शिक्षा नीति पर थोड़ा जोर दिया जिससे सभी समाज के लोग पढ़ के डॉक्टर हुए, इंजीनियर हुए, शिक्षक हुए और आज का सरकार इस समान शिक्षा नीति के बदले दोहरी शिक्षा नीति लागू कर दिया है जिससे किसान, गरीब, ग्रामीण क्षेत्र के जनता को आज शिक्षा ले पाना काफ़ी मुश्किल है। सर, आप सर पे एक टोपी लगाए हुए हैं, एक अद्वितीय माने इससे मैसेज जा रहा है, उस पर लिखा हुआ है एक राष्ट्र एक शिक्षा, तो आप क्या चाहते हैं सरकार से? जब पूरे भारत में एक तरह के शिक्षा नीति लागू होगा, चाहे वह CBSE पैटर्न हो, ICS पैटर्न हो, बिहार बोर्ड हो या संस्कृत बोर्ड हो, सभी में एक तरह के शिक्षा नीति जब लागू होगा तो हमारे बच्चे बिहार से केरला में जाएंगे, बंगाल में जाएंगे, महाराष्ट्र में जाएंगे, जब कोई भी एग्ज़ाम देने जाएंगे तो एक तरह का वहाँ का सभी पैटर्न का जब एक तरह का प्रश्न पत्र होगा, हमारे बच्चे अच्छे ढंग से तैयार करके और पढ़ के इस भारत का सुरक्षा कर पाएंगे, यही हमारा विजन है। और निश्चित रूप से आपने कहा कि एक अवार्ड हमको मिला है, तो वह किस लिए मिला है और किस क्षेत्र के लिए मिला है, थोड़ा उस पर भी थोड़ा विस्तार से बताएं। एक अवार्ड हमें भारत सरकार से लीची रत्न पुरस्कार मिला है। आज हमारे समाज में लीची का भी बिहार में खास तौर से बहुत ही अधिक शाही लीची का उपज है और उस लीची में हम लोगों ने बड़ी तत्परता से कार्य किया और आज चाहते हैं जो भारत सरकार इस लीची को पेटेंट करे और सभी किसान को इसका लाभ दे, अच्छा फसल हो, ऐसे आज के आर्थिक तौर पर लिया जाए तो एक कट्ठे खेत में लीची लगा के 5 साल के बाद हर साल 5,000 से ऊपर रुपये का आमदनी लिया जा सकता है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर, और मैं चाहता हूं कि भारत सरकार से इस मैसेज को जोड़ें। और निश्चित रूप से सर, अंत में आपसे एक संदेश लेना चाहेंगे कि हमारे चौपाल संवाद के माध्यम से, उम्मीद की एक मिसाल के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहते हैं? मैं यह बताना चाहता हूं दर्शकों को कि आप सबों शिक्षा के प्रति जागरूक हों और यह मिशन चले कि हमारा अर्थ जो आवे, हमारे कमाई का हिस्सा जो आवे, सो शिक्षा पर खर्च हो और इस भारत में निश्चित रूप से एक राष्ट्र एक शिक्षा नीति लागू करने में कामयाबी हो। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। कैमरा पर्सन मौर्यवंशी संजीव समीर के साथ मैं सुजीत कुशवाहा।